सब्सक्राइब करें सीजीपीएससी अड्डा चैनल को फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड अपडेट्स और साइड में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है फिर से आपके जो डिमांड है उस पर है। दरअसल दोस्तों कुछ समय से जो है कुछ छात्र मुझे जो अपने मेरे जो वीडियोस में डाला करता हूँ उसमें कमेंट कर रहे थे कि कुछ समय पहले एक जो नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, बहुत ज्यादा नोटिस जो था वन विकास निगम से रिलेटेड, जिसमें 109 पदों पर भर्ती से संबंधित जानकारियां दी गई थी। जैसे कि आपको पता ही होगा इन पदों के लिए जो है विधि विभाग ने परमिशन भी दे दिया है, यानी कि बहुत जल्द जो इनकी वैकेंसी भी आने वाली है। तो इससे संबंधित जो है डिटेल जानकारी लोग जानना चाहते थे तो ये वीडियो जो है उस पर ही आधारित है। मैं इस वीडियो में जो है इस पूरे वैकेंसी से रिलेटेड जो है डेडिकेटेड सारी जानकारियां जो है आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं इन पदों से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है उस नोटिस में दी गई थी उसे मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, देखिए इसमें जो कुल मिलाकर पदों की संख्या जो थी वो थी 109, जिसमें जो थी पदों का जो विवरण है वो निम्नलिखित है। जैसे कि देखिए परियोजना क्षेत्रपाल जो है इसके कुल 8 पद है, यानी कि प्रोजेक्ट जो बोलते हैं रेंजर उनके। इसके बाद देखिए सहायक परियोजना क्षेत्रपाल इसके कुल 39 पद, क्षेत्र रक्षक के 47 पद है। इसके बाद देखिए जो कार्यालयीन अमला है, यानी कि देखिए जो वन विकास निगम के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो कार्यरत होंगे उनसे संबंधित जो पद है, यहाँ पे देखिए लेखापाल है जिनके कुल मिलाकर पदों की संख्या 4 है। इसके बाद देखिए कनिष्ठ लेखापाल इसके कुल मिलाकर पदों की संख्या 10 और सहायक मानचित्रकार जो है इसका 1 पद है और कुल मिलाकर 109 पदों की संख्या है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों बहुत सारे छात्र इस डाउट में थे कि यहाँ जो परियोजना क्षेत्रपाल यानी कि जो रेंजर की बात हो रही है, ये रेंजर और फॉरेस्ट रेंजर में क्या डिफरेंस है। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर जो है वो डायरेक्ट फील्ड में काम करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्टली काम करता है वो फील्ड में। जबकि यहाँ पे अगर मैं परियोजना क्षेत्रपाल यानी कि प्रोजेक्ट रेंजर की बात करूं तो ये जो छत्तीसगढ़ जो है वन विकास निगम के जो क्षेत्रीय कार्यालय, क्योंकि यहाँ पे मेंशनड है क्षेत्रीय अमला, यानी कि इसके जो रीजनल ऑफिसेज है वहां पे ये काम करेंगे, वहीं पे कार्यरत होंगे ये। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आता है कि जहां फॉरेस्ट रेंजर की बात करते हैं वहां पे जो है उसकी वैकेंसी सीजीपीएससी लिया करते हैं, जबकि यहाँ पे जो परियोजना क्षेत्रपाल यहाँ पे जितने भी वैकेंसी जितने भी पोस्ट मेंशन है यहाँ पे सारे पदों की जो है वैकेंसी वो सीजी व्यापम मिलेगी। इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सीजी व्यापम बहुत जल्द जो है वैकेंसीज निकालने वाला है, यहाँ वहां की अफवाहों में मत आइए। तो देखिए ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे वित्त विभाग से पास्ड हो चुका है, इसके वैकेंसी रिलेटेड सारी डिटेल्स जो है, ये वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी। और एक जानकारी जो मैं आपको दे देता हूँ बहुत जरूरी जानकारी है, देखिए आज तक जो है जब भी देखा गया है फॉरेस्ट रिलेटेड भर्तियां आई हैं रेंजर और एसीएफ के, तो इसके कुछ समय बाद ही जो है वन विकास निगम ऐसी भर्तियां निकाला करता है। जैसे कि मैं अगर बात करूं 2016 की, तो उस फॉरेस्ट रेंजर और एसीएफ की जो भर्ती आई थी 2016 में, जस्ट उसके कुछ समय के बाद एग्जाम होने के, आप देखे होंगे प्रोजेक्ट रेंजर जो है इसकी भर्ती निकाली गई थी व्यापम के द्वारा 2016 में। इससे रिलेटेड जो है सारी जानकारी जो है हम आगे वीडियो में देखेंगे भी। इसके बाद मैं बात करता हूँ 2018 की, आपको 2018 में पता होगा फॉरेस्ट रेंजर और एसीएफ का भर्ती पुनः आई थी और इसके कुछ समय के बाद जो है वापस से वन विकास निगम ने जो है भर्ती ली थी। हालांकि उस समय परियोजना जो क्षेत्रपाल है इसकी भर्ती नहीं आई थी, उस समय आया था यहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर की भर्ती आई थी। लेकिन ये कॉमन से ट्रेंड देखने को मिला है कि जब जब फॉरेस्ट विभाग जो है कोई भर्ती लेती है उसके कुछ समय के बाद वन विकास निगम भी भर्तियां लेती है। तो देखिए इस बार भी वो चीज ट्रेंड में देखने को मिला है। आपको पता ही होगा फॉरेस्ट रेंजर और एसीएफ जो है इसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है, लेकिन अभी एग्जाम के लिए थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन इसके पश्चात ही देखिए वन विकास निगम ने जो है एटलीस्ट इस नोटिस को जो है पब्लिक कर दिया है, आप देखे होंगे, जिसमें वित्त विभाग का परमिशन मिलने की जानकारी भी मिल रही है हमको। तो ये वैकेंसी भी बहुत जल्द आएगी और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये वैकेंसी जो है सीजी व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी यानी कि 2016 में, उस समय जो जो जानकारी यानी कि जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एवं अन्य डिटेल्स थे वो आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। उस पीडीएफ में सारी जानकारी जो थी मैं आपको आगे जो है वीडियो में काफी डिटेल में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो आगे तो देखिए मैं जो पीडीएफ में आपको मेंशन करने वाला हूँ वो है परियोजना क्षेत्रपाल का। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कार्यालयीन अमला यानी कि लेखापाल, कनिष्ठ लेखापाल और सहायक मानचित्रकार है, उससे रिलेटेड बहुत सारे छात्र जो है मुझे वीडियो के नीचे पूछने वाले हैं कि सर आप इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताए हैं। तो मैं इसे डायरेक्टली यही मेंशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है लेखापाल जो है कुल 4 पद और कनिष्ठ लेखापाल के लिए 10 पद निकले हैं। तो लास्ट टाइम जो है देखा गया है सीजीपीएफ जब भी इनकी वैकेंसीज लेता है तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रखता है यहाँ पे कॉमर्स से ग्रेजुएशन, और साथ ही साथ देखेंगे
डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में जो है एक वर्षीय डिप्लोमा मांगा करता है सीजीपी। साथ ही साथ अगर मैं सहायक मानचित्रकार की वैकेंसी की बात करूं जो कि यहाँ पे एक पद निकला हुआ है, तो जनरली जो सीजी व्यापन जो है इनके जो पद निकलते हैं इसके लिए वो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है संबंधित ट्रेड जो है इससे आपका डिप्लोमा या आईटीआई होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जो है इनसे संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आगे जो है हम परियोजना क्षेत्रपाल जो है एवं सहायक परियोजना क्षेत्रपाल और क्षेत्र रक्षक जो है इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा करता है सीजी व्यापन उसके बारे में काफी डिटेल वे में जो है लास्ट वैकेंसी जो आई थी उसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ से है हम आगे उस पर चर्चा करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल पीडीएफ है आपके सामने ओपन हो गया है, यहाँ आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड इससे संबंधित जो है विज्ञापन है जो लास्ट टाइम 2016 में वैकेंसी आई थी परियोजना क्षेत्रपाल की उससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे उस दौरान देखिए परियोजना क्षेत्रपाल के कुल मिलाकर पदों की संख्या 25 आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेतनमान वो भी दिया गया है और ग्रेड पे 4300 का है। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम बार बार पूछते हैं आवश्यक शैक्षणिक अर्हता। देखिए लास्ट टाइम जो आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं थे उन्हीं में लिखित थे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों अर्थात कृषि वनस्पति शास्त्र रसायन शास्त्र कंप्यूटर अनुप्रयोग विज्ञान पर्यावरण विज्ञान वानिकी भू विज्ञान बागवानी गणित सांख्यिकी भौतिकी पशु विज्ञान प्राणी शास्त्र में कम से कम एक विषय सहित विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष या अभियांत्रिकी या तकनीकी की किसी भी शाखा या विषय में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे शैक्षणिक अर्हताएँ भी क्लियर हो गई हैं। आगे देखिए जो सेकंड पॉइंट होता है शारीरिक मापदंड जो न्यूनतम है वो देखिए यहाँ पे दिया गया। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया गया है ऊंचाई जो कि अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए मेंशनड है। तो यहाँ पे पुरुष के लिए देखिए 163 सेंटीमीटर जबकि महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। सेकंड देखिएगा ऊंचाई जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सेंटीमीटर जबकि महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट देखिए सीना जो मेंशनड है वो है पुरुष के लिए देखिए यहाँ पे 84 सेंटीमीटर जबकि महिलाओं के लिए 79 सेंटीमीटर। चौथा देखिए न्यूनतम सीना विस्तार वो है 5 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए भी 5 सेंटीमीटर यानी कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो मेंशनड है। पांचवा पॉइंट देखिएगा शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना है यहाँ पे पुरुषों के लिए देखिए 26 किलोमीटर जबकि महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर है। इसमें आगे देखिए जो परीक्षा अवधि है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के देखिए 2 वर्ष की परीक्षा पर रखा जाएगा जो कि अभी बढ़ चुका है आपको पता ही होगा ये परीक्षा अवधि को 3 वर्ष कर दिया गया है। चौथा पॉइंट देखिए वन क्षेत्रपाल प्रशिक्षण जो है चयनित अभ्यर्थियों को निगम द्वारा समय समय पर नियमानुसार वन क्षेत्रपाल प्रशिक्षण हेतु भिजवाया जाएगा। प्रशिक्षण शासन द्वारा चयनित महाविद्यालयों में प्राप्त किया जाएगा। वन क्षेत्रपाल प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। इसके बाद आइएगा देखिए निर्धारित आयु सीमा आगे दिया गया है अभ्यर्थियों की आयु जो है दिनांक 1/1/2016 यानी कि उस समय का मेंशन है डेट देखिए 21 वर्ष से कम अथवा 30 वर्ष से अधिक ना हो परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय या मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी जो कि अभी भी है मेंशन आपको पता ही है 40 वर्ष हो गई है। उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट पात्रता होगी। देखिए यहाँ पे आपको पता ही होगा अलग अलग वर्गों को जो है ये छूट मिलती है कुल मिलाकर हम देखें तो अधिकतम जो छूट है वो है 45 वर्ष। इसके बाद देखिए यहाँ पे 6वां पॉइंट है शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत करना जरूरी होगा आपके लिए वो कौन कौन से हैं। शारीरिक दक्षता के पूर्व निम्नलिखित प्रमाण पत्रों एवं अंक सूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके प्रशिक्षण उपरांत अभ्यर्थियों की अर्हता की जांच की जाएगी। पहला देखिए यहाँ पे है आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए सामान्यतः हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे यहाँ पे। दूसरा देखिए विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर या वर्ष की अंक सूची। तीसरा देखिए पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र यथा स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि पंजीयन अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है कि स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। आगे देखिए और डिटेल्स मेंशनड है। चौथा देखिएगा जाति प्रमाण पत्र अगर आप किसी भी पर्टिकुलर जाति या वर्ग से बिलोंग करते हैं तो उससे संबंधित जो है आपको यहाँ पे देखिए जो प्रमाण पत्र है वो मेंशन करना। इसके बाद देखिए दोस्तों जो 10वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है चयन प्रक्रिया क्या होगी। देखिए विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के न होने पर देखिए उम्मीदवार परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो पाएंगे।
इससे पहला पॉइंट देखिए, उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिएगा, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट क्रमांक जो है क में दिया गया है, जो मैं आगे आपको मेंशन कर दूंगा। तीसरा देखिएगा, परीक्षा हेतु ये जो सेंटर्स उस समय आवंटित किए गए थे वो मेंशन है यहाँ पे, और ऑनलाइन आवेदन जो है आगे उसके लिए शुल्क जो है व्यापम जनरली लिया करता है वो भी दिया गया है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब हम जो है परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रश्नों की कुल संख्या जो होगी आपकी 150 प्रश्न होंगे, जिसमें समय जो है आपको दिया जाएगा 3 घंटों का। और आगे देखिए, भाग एक जो है इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें कुल प्रश्न 30 होंगे। और आपको पता ही होगा व्यापम में प्रत्येक सही उत्तर पर आपको जो है एक अंक दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे 30 अंक मेंशन है। भाग दो देखिए, भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी पूछा जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या 40 एवं अंक भी 40 होंगे। भाग तीन देखिएगा, बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता, कुल प्रश्नों की संख्या 40 और कुल अंक जो यहाँ पे 40 ही है। भाग फोर देखिएगा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, यानी कि जो जनरली साइंस वाला बैकग्राउंड के लिए पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए 40 प्रश्न होंगे और अंक भी 40 होंगे। कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 150 है, तो जो ACF रेंजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। आगे देखिएगा, पाठ्यक्रम जो है उसका डिटेल्ड वे में दिया गया है, पूरा नीचे तक देखते जाएंगे। तो दोस्तों, इन दोनों PDFs को जो है इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इन्हें खुद भी एक बार जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से वन विकास निगम के द्वारा जो भर्ती निकाली जाएगी आगे चल के, इसके बारे में जो है मैंने आपको सारी जानकारी काफी डिटेल में देने की कोशिश की है, और उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।